कनखल थाना क्षेत्र अंतर्गत जियापोता गांव में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 127वां जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ग्राम जियापोता के ग्रामवासियों ने शोभा यात्रा का आयोजन भी किया। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया और शोभा यात्रा को बड़ी ही मुस्तैदी से सफल कराया। शोभा यात्रा के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अपना अपना हुनर दिखाया। बच्चों ने बाबा साहब के जीवन पर आधारित नाटकीय रूपांतरण भी किया। हर कोई उस समय हैरान रह गया जब बच्चों ने अपनी स्पीच अंग्रेजी में देनी शुरू की। पूर्व प्रधान कृष्णपाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े विद्वान थे। उनका जन्मदिन आज जियापोता गाँव में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जियापोता गाँव के अंबेडकर पार्क को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अंबेडकर पार्क को सजाने की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे भी अपने प्रोग्राम की तैयारियां कई दिनों से कर रहे थे और आज छोटे छोटे बच्चों ने अपना हुनर अंबेडकर पार्क में लोगों के सामने साझा किया, जिसे देख लोग हैरान रह गए। शोभा यात्रा के दौरान पूर्व प्रधान कृष्णपाल, उत्तराखंड पुलिस के जवान संतोष कुमार, गुलाब सिंह, चरण सिंह, राजकुमार, पंकज कुमार, बिट्टू कुमार, सोनू कुमार, विनोद कुमार, रजत कुमार, शुभम कुमार, बाबूराम, अमन, नेहा, रचना, कामिनी, स्वाति, रेखा, बरखा, नैना, प्रियंका, सरिता, अनामिका, शिवांशी, पिंकी, रितिका, बबीता, मीनू, सीमा आदि लोग मौजूद रहे। सर आपका नाम? सर क्या प्रोग्राम है आज? बाबा साहब का जन्मदिन है, तो ग्रामवासियों ने शोभा यात्रा और प्लस उनका जन्मदिन मनाने में पूरा अरेंज किया है। सर शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकली? हमारे सर कितनी जनसंख्या है आप देख लिया है? सर शोभा यात्रा निकाल रही है, निकल रही है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हमारे भूतपूर्व प्रधान जी ने बताया भी है कि 127वां जन्मदिन बाबा साहब का बड़े ब्रेव न्यूज लाइव के लिए हरिद्वार से सागर कुमार की खास रिपोर्ट।